हेलो गाइस दिस इज मीज ऑल सन एंड यू आर वाचिंग हास आर्ट स्टूडियो सो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर वेरी हैप्पी न्यू ईयर बिकॉज़ ये न्यू ईयर का हमारा फर्स्ट वीडियो है और uh, क्योंकि uh, तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी तो इसलिए अभी कोई वीडियो नहीं बनाया था और आज हम uh, ये वीडियो बनाने जा रहे हैं तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट तो यार आप लोगों के पास अभी टाइम और बढ़ गया है क्योंकि एग्ज़ाम आपके पोस्टपोन हो गए हैं तो आप आराम से अब और ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं और ज़्यादा आप प्रिपरेशन कर सकते हैं एग्जामिनेशन के लिए तो उसी से रिलेटेड हमने आपके पूरी क्वेश्चन सीरीज़ बना ली है यहाँ पर सारे चैप्टर्स को लेकर के तो आज लेकिन हमारा क्वेश्चन सीरीज़ का वो नहीं है क्वेश्चन सीरीज़ का वीडियो नहीं है तो आज हम जो वीडियो बना रहे हैं वो आपका जो लास्ट चैप्टर रह गया था जो था मॉडर्न मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट तो ये आपका मैं लास्ट चैप्टर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें इसी चैप्टर में आपके तीन आ, जो जिसमें आप पढ़ेंगे पेंटिंग्स ऑफ मॉडर्न ट्रेंड्स और आप पढ़ेंगे आ, आ, ग्राफिक प्रिंट एंड इस्कपचर तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट यानी कंटम्प्रेरी ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट तो उसमें क्या है और ये कैसे स्टार्ट हुआ और ये तो इसमें हमें ये पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आ जाता है और एक क्वेश्चन वो भी सिक्स मार्क्स का क्वेश्चन होता है अगर आप वो क्वेश्चन छोड़ेंगे तो आपके सिक्स मार्क्स आ सकते हैं फिर हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड लाने का आप अपना एम छोड़ ही दीजिएगा तो यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ द एटीन सेंचुरी द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टबलाइज न इन इंडिया तो जो एटीन सेंचुरी का लेटर पार्ट है मतलब जो लास्ट का पार्ट है उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टबलाइज देयर डोमेन इन इंडिया तो इंडिया का जो uh, पार्ट है कोलकाता एंड बिहार साइड का तो उसमें इन्होंने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी थी एंड दे वांटेड टू कैप्चर इंडियन कल्चर एंड आर्ट और वो जो इंडियन कल्चर है जो हम यहाँ पर मिनीचर पेंटिंग्स हो रही थी या फिर जो डांस एंड जो भी कल्चर थे यहाँ के तो वो सभी कल्चर्स एंड आर्ट्स को अपने अंडर में करना चाहते थे एंड दे डेवलप अ सिंथेटिक स्टाइल इन्वॉल्विंग द यूरोपियन स्टाइल और उन्होंने यहाँ पर एक सिंथेटिक uh, स्टाइल uh, मतलब आर्टिफिशियल स्टाइल डेवलप किया uh, अपनी यूरोपियन स्टाइल को ऐड करके उसमें एंड दिस न्यू इंडो यूरोपियन जेनर ऑफ पेंटिंग वॉज नोन एज द कंपनी स्टाइल तो so, जो इंडियन एंड यूरोपियन पेंटिंग को मिक्स करके जो पेंटिंग्स बनी मतलब इंडियन पेंटर्स एंड यूरोपियन पेंटर्स ने जो मिल पेंटिंग्स बनाई और जो स्टाइल ऑफ पेंटिंग वाज नोन एज द कंपनी स्टाइल और जो वो पेंटिंग्स थी उनको कंपनी स्टाइल की पेंटिंग्स कहा गया इन हिंदी इट वॉज़ कोल्ड कंपनी कलम हिंदी में इसे एक कंपनी कलम कहा गया द ब्रिटिश सेट ऑफ सेट ऑफ स्कूल्स इन मेजर सिटीज़ सच एज बॉम्बे कलकत्ता एंड मद्रास तो मुंबई कोलकाता एंड चेन्नई मद्रास मतलब चेन्नई में इन्होंने अपने स्कूल डेवलप किए एंड क्योंकि इंडिया में उससे पहले स्कूल्स नहीं थे यहाँ पर गुरु प्रथा थी एंड दीज आर्टिस्ट वो कोल्ड कंपनी आर्टिस्ट और वो जो भी आर्टिस्ट थे जो इंडो यूरोपियन स्टाइल में पेंटिंग कर रहे थे या फिर जो 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 इन स्कूल्स में पढ़ रहे थे तो ज़ाहिर है जब ये स्कूल यूरोपियन लोगों के हैं तो वो अपना स्टाइल ही उसमें पढ़ा रहे होंगे तो उसी स्टाइल में वहाँ पर आर्टिस्ट काम कर रहे थे तो उन्हें कंपनी आर्टिस्ट कहा गया एंड सब्जेक्ट्स और पेंटिंग्स व पोर्ट्रेट लैंडस्केप सीन्स इंडियन पीपल डांसर्स एंड फेस्टिवल्स और जो इनमें सबसे ज़्यादा जो थीम्स uh, थे वो इन चीज़ों से रिलेटेड थे जिसमें पोट्रेड लैंडस्केप And 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 और जो ब्रितिस, आ, ब्रितिस अधिकारी थे वो सबसे ज्यादा पेंटिंग्स यहाँ पर बनवाते थे अपने आप को रिच दिखाते थे और इंडियन पीपल को बहुत ज़्यादा पुअर दिखाते थे और ऐसी पेंटिंग्स बनवा करके वो यहाँ से खरीद करके ले जाते थे और वो अपने एरिया में उनको शो ऑफ करते थे इनसे या फिर बड़ी बड़ी मैगजींस बनवाते थे या कह सकते हैं फोटो एल्बम बनवाते थे कि जो ब्रिटिश लोग हैं वो यहाँ पर कितने रिच हैं और इंडियंस कैसे उनके सामने रहते हैं द कंपनी स्कूल पेंटिंग डिस्प्ले एन अमालगम ऑफ नेचुरलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन वो जो कंपनी स्टाइल की पेंटिंग्स थी वो डिस्प्ले uh, हुई जस्ट एज अ अमलगम मतलब मिक्सचर ऑफ नेचुरलिस्टिक प्रेजेंटेशन एंड द लोडिंग नस्टॉलोजी फॉर द इंटिमेसी एंड द एंड द स्टाइलेशन ऑफ मेडाइवल इंडियन मिनिएचर तो मेडाइवल इंडियन मिनिएचर क्या है जिसमें हमारे पहाड़ी स्कूल राजस्थानी स्कूल मुग़ल स्कूल डेक्कन स्कूल इनका सब स्टाइल था जो पुराना स्टाइल था उन्हें यूरोपियन स्टाइल में पेंट uh, करवा करके इन्होंने डिस्प्ले किया एंड द स्टाइल ब्रेंडेड ट्रेडिशन एलिमेंट्स विद द मोर वेस्टर्न ट्रीटमेंट ऑफ प्रस्पेक्टि वॉल्यूम्स एंड और जो इंडियन ट्रेडिशन uh, था तो इंडियन ट्रेडिशन को मोर वेस्टर्नस वेस्टर्न पेंटिंग क्या थी वेस्टर्न में पेंटिंग जो होती हैं वो मोर रियलिस्टिक uh, होती हैं तो वो रियलिस्टिक आ, वे जो था वो इंडियन पेंटिंग्स में इन्वॉल्व करा करके उन्होंने ऐसी पेंटिंग बनाई जो मेडा मेडाइवल इंडियन मिनीचर पेंटिंग्स थे उनको वेस्टर्न टाइप में उन्होंने पेंट करवाया एंड मोस्ट पेंटिंग वर स्मॉल रिफ्लेक्टिंग द इंडियन मिनीचर स्टाइल वेयर इज़ द नेचुरल हिस्ट्री पेंटिंग एंड ऑफ प्लांट्स एंड बर्ड्स वर यूजली लाइफ साइज जो भी पेंटिंग्स थी वो इंडियन मिनेचर स्टाइल्स की थी जो मेडाइवल इंडियन स्टाइल है एंड वेयर इज द नेचुरल हिस्ट्री नेचुरल हिस्ट्री पेंटिंग्स ऑफ द प्लांट्स एंड बर्ड्स वर यूजुअली लाइफ साइज ठीक है तो एंड नेक्स्ट द बंगाल स्कूल विच हैड गेन पॉपुलरिटी अर्लियर नाउ केम टू बी कॉल्ड कंजर्वेटिव जो बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग जो अभी हम पीछे बात किए थे उसकी तो उसको यहाँ पर कहने लगे थे कंजर्वेटिव कि उसने जो है ट्रेडिशनल पेंटिंग्स को अपने अंदर बसाया हुआ है वो ट्रेडिशनल पेंटिंग्स जैसा ही है दस मैनी आर्टिस्ट स्टार्टेड एक्सपेरिमेंट विद आर्ट इन ऑर्डर टू डिफाइन न्यू ट्रेंड्स और यहाँ पर बहुत सारे आर्टिस्ट लोगों ने स्टार्ट कर दिया था एक्सपेरिमेंट करना कि वो एक मॉडर्न आर्टिस्ट हैं और वो मॉडर्न पेंटिंग कर रहे हैं मैनी आर्टिस्ट गोट प्री ऑक्यूपाइड विद डिफाइनिंग वॉट मॉडर्न 2019 art was और बहुत सारे artists यहाँ पर distract हो गए थे और busy हो गए थे with define what modernity was तो यहाँ पर and the Indo-European art could not get popularity so the artists left painting and started doing other jobs for a livelihood तो जो Indo-European style था जो company style था वो जो है uh, पॉपुलर नहीं हो पाया उसे पॉपुलरिटी नहीं मिली एंड सो द आर्टिस्ट लोगों ने uh, अपना और कोई काम शुरू कर दिया आर्टिस्ट को आर्ट पेंटिंग को छोड़ करके इन दिस एज ऑफ कन्फ्यूजन आ सेल्फ और आर्टिस्ट राजा रवि वर्मा वॉज बॉर्न एंड पेंटेड इंडियन मैथोलॉजिकल थीम्स इन यूरोपियन स्टाइल जैसे राजा रवि वर्मा की हमने पीछे बात की तो राजा रवि वर्मा ने सबसे पहले यहाँ पर इंडियन इंडिया में ऑयल पेंटिंग शुरू की थी तो उन्होंने वहाँ पर ऐसी पेंटिंग शुरू की जो कि जिनका स्टाइल तो यूरोपियन था लेकिन जो पेंटिंग्स थी वो उन्हें मैथोलॉजिकल बुक्स एंड मैथ मैथोलॉजिकल थीम्स पर पेंटिंग करना शुरू किया जैसे देवी देवताओं पर इन इन चीज़ों पर उन्होंने पेंटिंग अपनी शुरू की एंड हिस टेक्निक एंड मीन्स वॉर ऑल यूरोपियन उनकी टैक्सिंग पूरी की पूरी यूरोपियन थी ऑल दो क्रिटिक्स एंड आर्ट रिगार्ड्स हिज पेंटिंग्स एंड इमिटिएशन ऑफ़ यूरोपियन पेंटिंग्स जो जो इंडियन uh, आर्टिस्ट थे जो क्रिटिक्स uh, थे एंड जो uh, यहाँ के uh, लोग थे उन्होंने उनकी पेंटिंग्स को इमिटिएशन ऑफ यूरोपियन पेंटिंग कहा वहाँ यूरोपियन पेंटिंग्स की कॉपी कहा एंड हिज़ कंट्रीब्यूशन टू इंडियन आर्ट इज़ इमेंस उनका जो कंट्रीब्यू uh, है इंडियन मॉडर्न आर्ट में वो इमेंस है बहुत बड़ा है ठीक है एंड हिज पेंटिंग्स आर रियलिस्टिक एंड हिज ओलियोग्राफ्स ऑफ गोड्स एंड गोडेज आर वर्शिप इन मिलियंस ऑफ होम इवन टूडे उनकी जो रियलिस्टिक पेंटिंग्स हैं ओलियोग्राफ्स उनके मतलब उनके प्रिंट्स हैं उन पेंटिंग्स के जो प्रिंट्स हैं वो गोर्ड एंड गोडेज के वो आज भी मिलियंस एंड होम में पूजे जाते हैं आज भी इम्प्रेस वि कम्युनि आइडियोलॉजी जो सोशलिस्ट आइडियाज़ uh, थे जो आइडियोलॉजी थी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट जैसे न्यूडन सूजा मकबूल फिदा हुसैन एसेट्रा एस्टेब्लाइज एन ऑर्गनाइजेशन नेम्स प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप इन नाइनटीन फोर्टी सेवन सो ये आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप कब इस्टेबलाइज हुआ तो उसे कह सकते हैं 1947 में हुआ था और उसमें कौन कौन थे आर्टिस्ट थे तो वो यहाँ पर हम फ्रांसिस न्यूटन सूजा मकबूल फिदा हुसैन और अभी आगे पढ़ेंगे द आर्टिस्ट ऑफ द ग्रुप डिक्लाइन स्टाइल ऑफ़ द बेंगाल आर्ट एंड इन प्लेस ऑफ़ दैट वेलकम द इंटरनेशनल मॉडर्न आर्ट सो so, जो हमारी बंगाल स्कूल वाली आर्ट थी बंगाल स्कूल की आर्ट थी या फिर हमारी कंपनी uh, स्टाइल था उसको इस आर्ट ने पीछे छोड़ दिया और ये जो आर्ट थी uh, ये थी हमारी इंटरनेशनल मॉडर्न आर्ट जिसमें कि फ्रांसिस न्यूटन सूजा मेंबर ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन टच द वर्ल्ड लेवल हाइट थ्रू द मीडियम ऑफ हिज न्यू क्रिएशन इन हिज क्रिएशंस

ये न्यू न्यू है न्यू ट्रेंड्स इन आर्ट सम नोटेबल आर्टिस्ट अमंग दैम आर्ट अमंग दैम मुकुल डे एंड मुकुल डे मनीष डे राम कुमार तैयब मेहता अकबर पदम जी एंड प्रकाश कार्मोकर एंड नारायण रामचरण एक्सेट्रा नामचंद्रन एक्सेट्रा और इसमें जो क्वेश्चन हमारा आ सकता है वो है राइट एंड से ऑन द मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट और या फिर हम जो हम बात कर रहे थे कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट कब बना तो 1947 एंड उसमें कौन कौन से आर्टिस्ट थे फ्रांसिस न्यूटन सूजा मकबूल फिदा हुसैन एक्सेट्रा तो ये था आपका आज का ट्रेडिशन मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट उसके बाद हम पेंटिंग्स करेंगे एंड इसमें चार पेंटिंग्स आपकी दी गई हैं तो हमारा जो नेक्स्ट uh, वीडियो होगा वो इन पर होगा पेंटिंग ऑफ द कंटम्प्रेरी मॉडर्न इंडियन आर्ट जिसमें हम राम वेंकट सिंह द प्राइड ऑफ द ओशन पढ़ेंगे जो राजा रवि वर्मा की है मदर एंड टेरेसा पढ़ेंगे एम एफ हुसैन की मदर एंड चाइल्ड पढ़ेंगे जैमिनी रॉय की एंड हल्दी ग्रैंडर पढ़ेंगे अमृता शेरगिल की तो ये पेंटिंग आपके टू में आने वाली हैं आ, जो उससे रिलेटेड हैं जो आपका आ, क्या कहते हैं सिलेबस है, है उसमें जितनी पेंटिंग्स हैं वो ये चार हैं तो हम ये पढ़ेंगे फिर उसके बाद हम यहाँ पर हम कर लेंगे आ, कंटम्प्रेरी मॉडर्न ग्राफिक की बात फिर उसके बाद कप्चर की बात तो ये था आपका आज का टॉपिक और आई होप ये आपको समझ आया होगा अगर आपको समझ आया है तो लाइक कर दीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी आप, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है क्योंकि हम आगे लाने वाले हैं सीरीज ऑफ क्वेश्चन और हम हर चैप्टर का क्वेश्चन अलग अलग करवाएंगे और उसमें जो मल्टीपल क्वेश्चन हैं जो इस साल आने वाले हैं उन पर ही हम काम करेंगे ठीक है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग